हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सामने आप देख रहे हैं मारुति ब्रेजा का LXi बेस मॉडल। अगर आप मारुति फ्रॉन्क सिग्मा बाय कर रहे हो तो भाई ये गाड़ी आपके लिए काफ़ी बढ़िया हो सकती है। लगभग आपको 1,00,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे ब्रेजा का बेस मॉडल लेने के लिए। वहीं इस प्राइस रेंज के अंदर आपको ब्रेजा में क्या एक्स्ट्रा मिलेगा जो कि आपको मारुति फ्रॉन्क्स में नहीं मिलेगा, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, 8,28,000 रुपये एक्सोरो में, वहीं 9,65 ऑन रोड है राजस्थान के अंदर। लगभग 1,00,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे मारुति फ्रॉन्क से अगर आप ब्रेजा लेना चाहते हो। लुक की बात करें, डायमेंशन की बात करें, डेफिनेटली हर कैटेगरी के अंदर मारुति ब्रेजा जीतती है मारुति फ्रॉन्क से। सब 4 मीटर कार है, वहीं एक कॉम्पैक्ट SUV कार है, तो यहाँ पे जो लुक है वो प्रॉपर आपको SUV का मिलता है। सामने का लुक कुछ इस प्रकार से मिलता है। मारुति फ्रॉन्क से लगभग आपको 40 mm ज़्यादा वाइडर मिलती है मारुति ब्रेजा। विड्थ की बात कर लेते हैं, लगभग 1790 mm की मारुति ब्रेजा के अंदर आपको विड्थ मिलती है। सामने से काफ़ी एग्रेसिव सा लुक निकल के आता है, वहीं रोड प्रेजेंस भाई गाड़ी का देखते ही बनता है। ग्रिल सामने की कुछ इस प्रकार से मिल जाती है, सामने सुजुकी का लोगो मिलेगा। वहीं बात करें हेडलैम्प के बारे में, तो भाई बेस मॉडल में यहाँ पे दे दिया है प्रोजेक्टर, वहीं यहाँ पे आपको मिलेगा इंडिकेटर। कोई भी फॉग लैंप आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलेगा। सामने की जो ग्रिल है वो कुछ इस प्रकार से मिल जाती है, वहीं सामने आपको कोई भी स्किड ब्लेड नहीं मिलती। लगभग 1,00,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर भाई आप इस प्रकार की गाड़ी उठा सकते हो। मारुति फ्रॉन्क्स डेफिनेटली इस कार से काफ़ी छोटी है। वहीं रोड प्रेजेंस जो ब्रेजा का निकलता है ना भाई, वो मारुति फ्रॉन्क्स में आपको नहीं मिलने वाला। ये है गाड़ी का साइड लुक, देखो भाई साइड से भी गाड़ी काफ़ी मैसिव लगती है। लेंथ की बात करें 3995 mm की लेंथ मिल जाती है, वहीं मारुति फ्रॉन्क्स से ज़्यादा आपको व्हील बेस मिलेगा जो कि है लगभग 2500 mm। मारुति फ्रॉन्क्स के अंदर मिलता है 2465 mm के आसपास, तो यहाँ पर जो व्हील बेस है वो भी काफ़ी बेहतर मिल जाता है। टायर सेक्शन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलते हैं 16 inch के टायर, 215/60R16 स्टील रिम आ जाता है। वहीं व्हील कवर भी कंपनी ऑफर कर देती है, व्हील के ऊपर व्हील आर्चेज मिल जाते हैं, साइड में आपको मोल्डिंग्स मिलती है। अगर बात करें गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो डेफिनेटली मारुति फ्रॉन्क से काफ़ी बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पे मिलता है। जो ORVM है इसी के ऊपर आपको इंडिकेटर मिल जाता है, और जो ये ORVM है इसको आप अंदर से एडजस्ट कर पाएंगे, बॉडी कलर्ड मिल जाता है। जो डोर हैंडल है ये भी आपको बॉडी कलर्ड मिलते हैं। पीछे बड़ा सा क्वार्टर ग्लास पैनल दे दिया है ताकि जो अंदर बैठा उसको एरी सा फील होगा। रूफ के ऊपर आपको मिल जाता है सार्कविन एंडिना। तो भाई इस प्राइस रेंज में अगर आप 1,00,000 रुपये का बजट एक्स्ट्रा बना सकते हो, तो मारुति फ्रॉन्क्स की बजाय आप मारुति ब्रेजा का बेस मॉडल बाय करो। रियर लुक कुछ इस प्रकार से मिल जाता है, स्पॉइलर आ जाता है, इंटीग्रेटेड हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ पे दिया गया है, ब्रेजा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। वहीं जो टेल लैंप है ये आपको LED में मिलेंगे, ये है इंडिकेटर और ये है रिवर्स लाइट, पीछे ब्रेजा की ब्रांडिंग मिलेगी। 2 points मिलेंगे पार्किंग सेंसर के, 4 points है। वहीं रिफ्लेक्टर पीछे दे दिया है। जो रियर बम्पर है ये आपको मिलेगा ब्लैक फिनिश में। अगर बात करें बूट स्पेस के बारे में, तो भाई ये भी गाड़ी की सबसे बड़ी USP है। गाड़ी के अंदर 328 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलेगा जो कि आपको मारुति फ्रॉन्क्स में अवेलेबल नहीं है। मारुति फ्रॉन्क्स का जो बूट स्पेस है वो काफ़ी छोटा है कम्पेयर टू ब्रेजा। और टायर सेक्शन की बात करें, तो यहाँ पर आपको फुल साइज़ का टायर सेक्शन मिलेगा स्टील रिम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो बूट स्पेस है ये भी काफ़ी गजब मिलता है, प्रॉपर इंसुलेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। तो 1,00,000 रुपये अगर आप अपना बजट बढ़ा लेते हो, तो ये सारे फीचर एक्सटीरियर में आपको मिलेंगे जो कि मारुति फ्रॉन्क्स में नहीं मिलते। बात करें इंटीरियर की, तो भाई जो इंटीरियर है वो भी काफ़ी क्लासी सा फील होता है। और जो इंटीरियर है ये पूरा ब्लैकआउट मिलेगा, काफ़ी बढ़िया लुक देता है। डोर ओपनिंग वाइड है, ठीक है, एंट्री एग्जिट करने में दिक्कत आपको नहीं होगी। डोर ट्रिम में पूरा आपको मिलेगा हार्ड प्लास्टिक। यहाँ पे आपको ऑल 4 पावर विंडो के बटन सजाते हैं। बेस मॉडल है इसलिए छोटे मोटे जो फीचर है वो गाड़ी में आपको मिलेंगे, कोई आफ्टर मार्केट जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये है ORVM एडजस्टमेंट का बटन, कोई भी स्पीकर गाड़ी में नहीं मिलेगा, बोटल होल्डर यहाँ पे दे दिया है। सीट की बात करें, तो यहाँ पे फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिल जाती है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आगे मिलेंगे, पीछे कोई भी हेडरेस्ट कंपनी नहीं देती है। सीट की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, वहीं मारुति फ्रॉन्क्स से बेटर जो है सीट आपको मारुति ब्रेजा में मिलेगी। कंफर्ट काफ़ी बढ़िया है। चाबी यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से मिल जाएगी, बेस मॉडल है लेकिन यहाँ पे आपको रिमोट की मिलेगी लोगन लो के बटन के साथ। ये है डैशबोर्ड जो कि काफ़ी बढ़िया नीट एंड क्लीन सा फील होता है। यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलैम्प को लेवल करने का बटन, ABC पेडल और साइड में आपको मिलेगा डैड पेडल। अंदर जाके भी आपको दिखा देता हूँ क्या कुछ मिलता है, ठीक है। तो ये कहानी हो गई अंदर से। भाई अंदर से भी गाड़ी काफ़ी प्यारी लगती है। लगाते हैं गाड़ी में चाबी, ये देखो भाई, ठीक है। और अगर बात करें इंटीरियर की, तो भाई काफ़ी बढ़िया कूल सा इंटीरियर यहाँ पे मिलता है, हालांकि पूरा ब्लैकआउट मिलेगा। स्टीयरिंग की बात करें, तो यहाँ पे डी कट स्टीयरिंग आ जाती है, टिल्ट एडजस्टमेंट आ जाता है। वहीं ये है गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि फुली एनालॉग फंक्शन के साथ आता है। स्पीडोमीटर RPM मीटर बेस मॉडल से ही आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। बीच में MID जिसमें आप
थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन चेक कर पाएंगे, बाकी जो स्टॉक से ये आपको मैनुअल मिलेंगे। सामने की कहानी कुछ इस प्रकार से मिल जाती है, कोई भी म्यूजिक सिस्टम आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाता है मैनुअल एसी, नीचे आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, ये है गाड़ी का ग्लोव बॉक्स जो कि काफ़ी बड़ा साइज का है, और ये है आईआरवी मैनुअल है, और ये आपको सिंपल मिलेंगे, ठीक है। कोई भी वैनिटी मिरर यहाँ पे नहीं मिलेगा, 5 स्पीड का गियर बॉक्स आता है, आर्मरेस्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा, 2 कप होल्डर यहाँ पे दिया गया है। सीट की बात करें अंडर थाई सपोर्टिंग सीट में काफ़ी बेहतर मिलेगा, वहीं भाई काफ़ी अच्छी पोजीशन जो है यहाँ पे बैठने में मिलती है, लगता है आप किसी एसयूवी गाड़ी में बैठ के जा रहे हो क्योंकि गाड़ी की हाइट काफ़ी बढ़िया है, वहीं जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी वही गाड़ी में काफ़ी प्यारा मिलता है। तो मारुति फ्रॉन्क्स में ये चीज़ आपको मिसिंग मिलेगी जो कि आपको मारुति ब्रेजा में नहीं मिलती, तो भाई इसलिए ये गाड़ी काफ़ी बढ़िया हो जाती है। आपको दिखाता हूँ गाड़ी का रियर स्पेस, तो ये है रियर सीट, चाबी को बदली कर देते हैं, ठीक है। ये है रियर सीट, एज यूजुअल फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी हुई है, डोर ओपनिंग वाइड दे दी है, यहाँ पे आपको मिलेगा पावर विंडो का बटन, बोतल होल्डर, और भाई पीछे भी आपको एसी वेंट मिल जाता है, बेस मॉडल है, एसी वेंट आपको पीछे भी मिलने वाला है, ही बड़े क्वार्टर ग्लास पैनल है, एरी सा फील होने वाला है, बीच में आपको लैंप मिलेगा, आगे लैंप नहीं मिलता, स्पेस इस सीट पर काफ़ी बढ़िया है, वहीं जो सीट की चौड़ाई है वो काफ़ी अच्छी है, जो बंदा बैठा है उसको कम्फर्टेबल फील होने वाला है, हालांकि बीच में हम पे लेकिन फिर भी 3 बंदे आराम से बैठ जाएंगे। मारुति फ्रॉन्क्स की जो विड्थ है वो कम है ब्रेजा से, तो इसलिए वहाँ पे अगर 3 बंदे बैठेंगे तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल जो है उनको फील होने वाला है। ओवरऑल जो केबिन है वो काफ़ी स्पेशियस सा फील होता है, ये देखो काफ़ी स्पेस यहाँ पे मिलेगा, वहीं क्वार्टर ग्लास पैनल बड़ा होने की वजह से अंदर जो है एरी सा एनवायरमेंट बन जाता है। अब चलते हैं गाड़ी के इंजन पार्ट की तरफ, और ये है इस गाड़ी की सबसे बड़ी USP, 1 लाख रुपये आप एक्स्ट्रा पे करोगे वो करोगे भाई इंजन के, क्योंकि यहाँ पे जो इंजन है वो मिलता है 1.5 लीटर का, जो कि मारुति फ्रॉन्क्स में आपको मिलेगा सिर्फ 1.2 लीटर का। तो यहाँ पे जो इंजन कैपेसिटी, जो पावर है वो आपको ब्रेजा में काफ़ी बेटर मिलेगी, आपको हुड ओपन करके मैं दिखा देता हूँ। इंजन भाई इस गाड़ी की सबसे बड़ी USP है, इसके अंदर आपको मिलता है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन जो कि निकालता है 102 bhp और 136 Nm का टॉर्क, तो भाई जो पावर है वो 1.2 लीटर से काफ़ी बढ़िया मिलेगी। वहीं माइलेज की बात करें लगभग 18 की माइलेज क्लेम करती है कंपनी। इंजन प्रूवर है, प्रॉपर इंसुलेशन यहाँ पर दिया गया है, तो भाई यहाँ पर जो इंजन है वो आपको ज़्यादा मिल जाएगा, बूट में स्पेस ज़्यादा मिल जाता है, अच्छा व्हील बेस, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं एक SUV वाला लुक पूरी गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा। मात्र 1 लाख रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे ऑन रोड पे मारुति फ्रॉन्क्स के बेस मॉडल से, तो भाई इस प्राइस रेंज में ब्रेजा आप उठा सकते हो, काफ़ी बढ़िया डील है, काफ़ी बढ़िया कम्फर्ट यहाँ पर मिलेगा। वहीं जो इंजन है वो भाई काफ़ी पावरफुल मिलेगा, क्योंकि 1.5 लीटर वाला इंजन भाई काफ़ी पावरफुल है ब्रेजा के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर बाइंग में आपको थोड़ी सी हेल्प मिली हो, या फिर अगर आप बाय करने का प्लान कर रहे हो ब्रेजा और मारुति फ्रॉन्क्स, तो उनके बीच में अगर आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ हो तो भाई एक कमेंट बॉक्स में मुझे पिन जरूर कर सकते हो, थैंक्स का मैसेज आप जरूर डाल सकते हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।